यूपी पुलिस महिला की सुरक्षा को लेकर लगातार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन इन दावों की पोल उस वक्त खुल जाती है जब कोई बड़ी वारदात सामने आती है। कन्नौज में एक युवती के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोप है कि इस दौरान उसका वीडियो भी बनाया गया। अब वीडियो वायरल हो रहा है। हुसैन से अगवा किया था कट्टो के दम पे और उसे उठा के ले गए, जबरन ही जबरदस्ती सब कुछ किया। कहा कि ऐसा नहीं करोगी तो गोली से मार देंगे यहीं पे। तो उसने जान बचाने के चक्कर में जैसा कहता रहा वैसी करके जो जहाँ पे उसने मार कूट नहीं की वहाँ की वीडियो उसने सब कहीं वायरल की है। आज तक किसी भी बलात्कार में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी मुजरिम ने बलात्कार करके वीडियो वायरल की हो। हम चाहते हैं उसको फांसी हो या फिर उसके उम्र कैद होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो हम सब लोग जान से मर जाएंगे। योगी से ये बात पहुंचाना चाहिए योगी जी को। पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इस परिवार के साथ ऐसी घटना घटी है जिसने प्रदेश सरकार के महिला की सुरक्षा को लेकर किए जाने वाले दावों को लेकर सवालिया निशान लगा दिया है। वायरल हो चुका था, उसके बाद पता चला कि वीडियो वायरल आ गया जो गांव वालों ने दिखाया आके मोबाइल में अपने कि वीडियो ये वायरल हो। तब हमको जानकारी हुई कि वीडियो वायरल हुआ, तब लड़की से पूछा गया उसने बताया, उसने धमकी दी कि अगर तूने घर पे बताया तेरे भाई को गोली से मार। पीड़ित ने बदनामी के डर से परिजनों से घटना छिपाई। वीडियो वायरल होने पर पीड़ित ने दोषी युवक और उसके दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने युवती का मेडिकल करवाया और अब आरोपियों की तलाश कर रही है। मोहल्ला समदन थाना घुसायागंज में एक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है जिसमें अभियुक्तों द्वारा एक दुष्कर्म करते हुए और उसकी वीडियो जो वायरल कर दी गई। पीड़िता की तहरीर पर दोनों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। देखना है आरोपी की कब गिरफ्तारी होती है और फिर उसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस कितनी सख्त सजा दिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।